स्वागत दोस्तों, मैं हूं कश्मीर और आज काफी हद तक रिकवर हो गया हूं, तो मैंने सोचा आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं। कल मैं कुछ वीडियोस वॉच कर रहा था, कई लोगों के वीडियोस से वॉच कर रहा था, उसमें कुछ सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज सुन रहा था मैं। उस इंटरव्यू में कुछ लोगों का इंटरव्यू में ऐसा था कि उन्होंने बोला कि साइट इंजीनियरिंग द बेस्ट, कुछ लोगों ने बोला कि डिजाइन इंजीनियरिंग द बेस्ट, कुछ लोगों ने बोला BIM इज द बेस्ट, ऐसे करके अलग अलग लोगों के मैं इंटरव्यू सुन रहा था। तो मुझे अच्छा भी लग रहा था क्योंकि दे आर नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली वो अपने हिसाब से सही सजेशन दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्योंकि अभी फाइनल ईयर में कुछ बच्चे अभी फाइनल ईयर क्लियर कर रहे हैं, अब वो लोग एंट्री करने वाले हैं अलग अलग डोमेन्स में। पहली बात तो समस्या ये है कि अपने सिविल इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोगों को सारे प्रोफाइल्स के बारे में ही नहीं पता है, ठीक है। तो मैं आपको बोर नहीं करूंगा, लेकिन ये वीडियो शायद आपके लाइफ को परिवर्तित कर सकता है। अगर आप फ्रेशर हैं, फोर्थ ईयर में हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, और एक्सपीरियंस वाले हैं तो भी आप सुनिएगा, आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा। गाइस, हम सब कॉलेज में जब पढ़ते थे तो कॉलेज में हम सबको सिर्फ एक ऑप्शन बताया जाता था, दैट इज साइट इंजीनियरिंग। बिलीव करो, मुझे उतना ही पता था, होप आप लोग और एडवांस रहे होंगे, आपको और पता रहा होगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि डेफिनेटली जब उसके बाहर निकले तो हमें और ऑप्शंस के बारे में आइडिया ही नहीं था, तो चूज करने के लिए क्या बचा है, एक साइट इंजीनियरिंग बचा। तो जो भी इंटरव्यूज में लोग बोल रहे थे बहुत ही सही बोल रहे थे, बट एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। एक बार क्या हुआ, बोर मत होना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार क्या हुआ कि एक गुरुजी थे और उनके पास पांच अंधे शिष्य थे, क्या थे, पांच उनके अंधे शिष्य थे, और उनको बोला गया कि आपको पता है हाथी कैसे होती है। तो उन लोगों ने बोला नहीं मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि जाइए, गुरुजी ने बोला कि आप जाइए बाहर, वहां एक हाथी खड़ा है, देख के आइए फिर बताइए कि कैसा है वो हाथी, ठीक है। तो कुछ लोगों ने हाथी को पकड़ा, मतलब अंधे लोग थे तो डेफिनेटली कुछ लोगों ने उसके पैर को पकड़ा तो उनका एक्सपीरियंस अलग था, कुछ लोगों ने उसके पूंछ को पकड़ा तो उसका एक्सपीरियंस अलग था, कुछ लोगों ने उनके सूंड को पकड़ा उनका एक्सपीरियंस अलग था, कुछ लोगों ने उनके दांत को पकड़ा उनका एक्सपीरियंस अलग था। तो जब सब लोग वापस आए तो उनसे गुरुजी ने पूछा कि आपने हाथी को देखा, कैसा था हाथी, तो आपका इमेजिनेशन क्या बताया कि हाथी कैसा था। तो जो हाथी को पकड़े थे, एक उसके पैर को पकड़े थे, उन्होंने बताया कि हाथी जो होता है वो कॉलम के तरह होता है, पिलर के तरह होता है, कुछ लोगों ने पूंछ पकड़ा था तो उन्होंने बोला था हाथी रस्सी तरह होता है, कुछ लोगों ने सूंड पकड़ा था तो उन लोगों ने बताया हाथी पाइप की तरह होता है, कुछ लोगों ने दांत पकड़ा था तो उन लोगों ने बताया कि बहुत ही स्ट्रांग होता है, हड्डी की तरह होता है। ऐसे सबने अपना अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर किया, एक कोई भी इसमें से गलत नहीं है, लेकिन सब कोई गलत है, ठीक है। मैं आपको क्यों सुनाया, डेफिनेटली आज के टाइम में सिविल इंजीनियरिंग में भी यही हो रहा है, सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर्स में है, BIM में है, तो मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर किया, किसी का एक्सपीरियंस साइट में है तो वो साइट का एक्सपीरियंस शेयर किया, किसी का एक्सपीरियंस सर्वे में है तो सर्वे का एक्सपीरियंस शेयर किया, किसी का GIS में है तो उन्होंने GIS के बारे में बताया, किसी का प्रीकास्ट में है तो उन्होंने प्रीकास्ट के बारे में बताया, किसी का स्टील में है तो उन्होंने स्टील के बारे में बताया। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी इसमें से गलत नहीं है, एवरीवन इज करेक्ट, लेकिन आप सबसे सिर्फ एडवाइस ले सकते हैं, डिसीजंस किसी का भी मत सुनिए, इवन मेरा भी डिसीजन मत सुनिए, सिर्फ एडवाइस लीजिए। आप लोग सर कैसी बात कर रहे हो, एडवाइस लेके भी डिसीजन ना सुने, मतलब क्या है, डिसीजन मीन्स डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, और एडवाइस आप चार लोगों से, पांच लोगों से, छह लोगों से, दस लोगों से आप डेफिनेटली ले सकते हो। उसके बाद आपको कैसे चूज करना है, इसका एक छोटा सा हिंट दूंगा, डेफिनेटली डिसीजन आपको ही लेना है। हिंट ये है कि आपको जिस भी प्रोफाइल के बारे में मैंने सजेस्ट किया, फिर किसी XYZ पर्सन ने सजेस्ट किया, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके रिलेटेड कुछ वीडियोस देखिए, या फिर उस चीज को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देखिए। एक्सपीरियंस इन द सेंस, जैसे कि मैंने बोला कि डिजाइन में बड़ा ही ज्यादा स्कोप है, तो आप बोलो सर ऐसे कैसे बिलीव कर ले, दो मिनट रुकिए, आप एक अच्छा सा डिजाइन थोड़ा सा 2 घंटे 4 घंटे 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगा के सीख के देखिए कि आपको मजा आ रहा है क्या। अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है, डेफिनेटली आपका करियर यहीं पर बेस्ट बन सकता है। आपको किसी ने बोला कि क्या बोलते हैं, साइट बहुत ही अच्छा है, उसी में सबसे ज्यादा स्कोप है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते अपने टाइम का, अपने करियर का ऐसे ही लगा दीजिए बिना किसी कॉस्ट के। आप साइट पे जाके खड़े होइए और खड़े होकर देखिए कि आपको काम कराने में क्या परेशानी आ रही है, कैसा लग रहा है, कैसा आप फील कर रहे हो, वहां से डिसीजन लीजिए। कुछ दिन अगर आपको लगता है कि प्रीकास्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा सा प्रीकास्ट के बारे में पढ़ के देखिए, क्या सच में प्रीकास्ट में आपको मजा आ रहा है। कुछ दिन BIM के बारे में पढ़ के देखिए, BIM को फील करिए, BIM में कुछ मॉडल बना के देखिए, क्या आपको कैसा लग रहा है, आप जज करिए। कुल मिला के मैं कहूंगा कि आप अगर फोर्थ ईयर में हैं या फिर एक फ्रेशर हैं, तो 1 महीना 2 महीना आप लगाइए सिर्फ और सिर्फ इन चीजों में कि मुझे मजा किस में आ रहा है,
ठीक है, बिलीव करो मैं जिस प्रोफाइल में हूँ उस प्रोफाइल में मुझे बहुत मजा आ रहा है। रीजन ये है कि मतलब मैं लॉस था, एक्चुअली लॉस क्या था, मैंने कई प्रोफाइल्स में जाके देखा तो मुझे लगा कि मेरा इसी प्रोफाइल में मुझे बहुत मजा आता है, मैंने उस प्रोफाइल को कंटिन्यू किया, बट मेरा 2-3 साल खराब हो गया। तो आपसे सजेशन, आपको एक सजेशन दूंगा, 2-3 साल नहीं, 1-2 महीने के अंदर जज करिए, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िए। आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा है, पढ़ के देखिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए कितना आपका मेरिट जा रहा है, कितना इसे मार्केट में जो भी चल रहा है वहां पर कितना मेरिट जा रहा है, उसको भी चेंज कर लीजिए। मैं किसी भी चीज को ये नहीं बोलूंगा कि वो खराब है, ठीक है, डेफिनेटली एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर सूट क्या करता है। आप अपने लाइफ को आज से 5 साल क्योंकि फ्यूचर प्लान करके नहीं चलोगे तो डेफिनेटली आपको समस्या होगी, फिर करियर अच्छा नहीं डिसाइड कर पाओगे। 5 साल बाद आप कहां खुद को देखना चाहते हो, क्या 5 साल बाद आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को देखना चाहते हो, या 5 साल बाद आप कुछ डिफरेंट टाइप की प्रोफाइल देखना चाहते हो, 5 साल बाद अपनी खुद की कंपनी देखना चाहते हो, 5 साल बाद बिल्डर बनना चाहते हो, क्या आपका मोटो है। 5 साल को अभी से जज करके देखिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि नहीं, ये वाला जो करियर है ये मेरा फ्यूचर बनाएगा। बिलीव करिए, फिर से बोलूंगा, न मेरा डिसीजन मानिए, न किसी XYZ पर्सन का डिसीजन मानिए, सिर्फ और सिर्फ हमारी एडवाइस लीजिए, करके खुद देखिए। और उसके एडवाइस लेने से क्या होगा, आपको पता तो चलेगा ना कि ये प्रोफाइल्स है, जैसे कि मैं किन किन प्रोफाइल्स को प्रमोट करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। मैं बताता हूँ कि PEB में करियर बनाओ, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में, स्टील स्ट्रक्चर में करियर बनाओ, RCC स्ट्रक्चर में करियर बनाओ, BIM में करियर बनाओ, प्रीकास्ट में करियर बनाओ, ये मेरी प्रेफरेंस है, ये मेरी प्रेफरेंस है। कुछ लोगों का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो सकता है, कुछ लोगों का क्वांटिटी सर्वेइंग हो सकता है, कुछ का साइट इंजीनियरिंग हो सकता है, कुछ का सर्वेइंग हो सकता है, कुछ का GIS हो सकता है, कुछ का गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। सबकी प्रेफरेंस को सुनिए और 1-1.5 महीने लगाइए बिना किसी लॉस के। आज के टाइम में आप लगा सकते हैं क्योंकि आज के टाइम में घर बैठे यूट्यूब पे हर तरह के कंटेंट अवेलेबल है, मतलब डिजाइन का लाइन लगा है, साइट का लाइन लगा हुआ है, आप चेक करिए, उन्हीं से आपको ज्यादा तो जजमेंट मिल जाएगा। बट आपको लगता है कि सर इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करना चाहता हूं, कुछ दिन उसके अंदर घुस के देख लो, आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। दोस्त एक प्रॉब्लम होती है, मैंने लोगों के साथ देखा है और खुद के साथ भी देखा है कि 2-3 साल जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, 4 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, तब लगता है यार अब क्या करूं, मुझे तो इस प्रोफाइल में करना ही नहीं था अपने करियर को, यहां पर तो मैं अपनी फैमिली मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, मनी मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, वापस आना पड़ता है। अब सपोज आपकी सैलरी हो गई 40,000-45,000 सैलरी हो गई, फिर वापस आना है और फिर से एक नए करियर को स्टार्ट करना है 15,000-20,000 रुपए में, ये एक्सपीरियंस लोग अपना कमेंट करके जरूर बताना, उससे क्या होगा, जो फ्रेशर्स हैं उनको आइडिया लगेगा कि हाँ यार ये गलती नहीं करना, ये सर ने ये गलती की, देखो इनको प्रॉब्लम हो रही है। कोई बुराई नहीं है एक्सपीरियंस को शेयर करना, मैं खुद बोल रहा हूं स्टार्टिंग के 1 साल मैंने बहुत धक्के खाए, कुछ आइडिया ही नहीं था कहां काम करना है, जो मिलता गया करते गए, बट इंटरेस्ट का कुछ पता नहीं चला। जब कुछ दिन बाद जब एक्सपीरियंस हुआ, अब लगा कि यार अब कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली अच्छा यह था कि मुझे 1 साल में थोड़ा समझ में आ गया, कम टाइम लॉस हुआ। कई लोगों को मैंने देखा 6-8-9-9 साल लग जाते हैं, बुरा मत मानिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग में ही उनको कोई जॉब नहीं मिलती तो कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं, 9-10 साल उन्होंने टीचिंग कर लिया, अब उनकी सैलरी भी एक लिमिट, डेफिनेटली 10 साल में सैलरी तो बढ़नी है, अब उसके बाद जब वो स्विच करते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आता है। बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं टीचर्स को, बट मुझे पता है और आपको भी पता है कि क्या प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। टीचिंग मेरी भी हॉबी है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ हॉबी की तरह देखा। मैं आपको जैसे यूनिंग में कुछ मैं क्लासेस ले लेता हूँ सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में, वो कैसे है कि वहां पर मुझे कुछ भी मेरा एक्चुअली टाइम नहीं जा रहा है। यूनिंग में डेफिनेटली मैं फ्री होता था, क्या करता, फेसबुक इंस्टाग्राम और इन सब पे अपना टाइम लगाता, या फिर लिंक्डइन तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर तरह तरह के जो रील्स वगैरह हैं, टिकटॉक वगैरह हैं, इन सब को देख के टाइम लगाने से अच्छा था कि मैं यूनिंग में 2-3 घंटे आप लोगों को पढ़ा देता हूं। तो ये मेरी हॉबी भी कंप्लीट हो गई, डेफिनेटली मुझे समझ में आया ग्रोथ किस में, वो काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो यही एक सजेशन था, ये इससे आप अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकते हो। मैंने आपका कोई डिसीजन नहीं दिया आपको कि आपको यही करना है, बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंटरेस्ट देखो, अपना फ्यूचर देखो कि 5-10 साल बाद मेरी लाइफ कैसे होने वाली है और मैं कैसा चाहता हूं, क्या मैं खुद की कंसल्टेंसी खोलना चाहता हूं स्ट्रक्चर की, क्या मैं खुद की बीम की कंसल्टेंसी खोलना चाहता हूं, क्या मैं खुद की PEB की कंसल्टेंसी खोलना चाहता हूं, कुछ भी ऐसा फ्यूचर प्लान करके उसके हिसाब से अपने करियर को डिसाइड करो। विश ऑल द वेरी बेस्ट, ये स्पेशली फ्रेशर्स के लिए और फाइनल ईयर के बच्चों के लिए था, बट जो भी एक्सपीरियंस पर्सन यहाँ पर वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, अपना फीडबैक नीचे जरूर देना, क्योंकि आपके फीडबैक को लोग पढ़ते हैं और उससे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि हाँ यार ये सब गलत थोड़ी बोलेंगे, कोई भी अपना एक्सपीरियंस गलत थोड़ी करेगा।
ठीक है, तो डेफिनेटली उससे बहुत लोगों को हेल्प होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। अब आपके साथ कंटिन्यू मैं लगा रहूंगा, कंटिन्यू जुड़ा रहूंगा और आपको ढेर सारे जितने भी हो सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के गाइडेंस वो सब प्रोवाइड करता रहूंगा। तो नए व्यूअर्स आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अब आपको मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा बेस्ट पाथ देने की, बेस्ट चीजें सिखाने की सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। डेफिनेटली आज नहीं, 2-3 सालों से सिखाता आया हूं। डेफिनेटली तब जॉब में था, अब मेरा फुल टाइम वर्क इसमें आ गया है, तो डेफिनेटली अब मैं अपना काम करता हूँ, साथ ही साथ जो भी मैंने सीखा 6-7 साल के करियर में वो आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।